हरे राम हरे राम, केवलम कलयुग में नाम बताएगा। द्वापर में दान, त्रेता में यज्ञ, सतयुग में सत और तप। नाम की जो स्वर लहरियां हैं, ध्वनि स्पंदन है, ये अलग प्रकार का वातावरण बनाते हैं। आपके हाथ में रिमोट है, आपने वो दबाया, उधर चित्र बदल गया, दृश्य बदल गया। कुछ अंक आपने दबा दिए, कुछ अंक, कुछ यहां तरंगें आपने कुछ ऐसा कुछ किया कि तरंगें दूसरी पैदा हो गई। रिमोट में वायरलेस, एक रिमोट है आपके पास, वायर नहीं है, लेकिन यहां आपने कुछ छुआ और वहां पर तरंग बदल गई। ठीक वैसे ही मंत्र एक अलग प्रकार की तरंगों का संसार है। बार 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 जो मंत्र है वो एक विशेष प्रकार की तरंग और विशेष प्रकार के स्पंदन पैदा करता है। ये सारा संसार वाइब्रेशन से बना है। जो विज्ञान अब पहुंचा है, जिस प्रोटॉन की बात कर रहा है वो, जिस वो अणु की बात कर रहा है कि उस वो भी टूट रहा है आपस में, जिस प्लाज्मा की वो बात कर रहे हैं कि रक्त में प्लाज्मा है, कुछ नहीं है, तरंगों का संसार है, सूक्ष्म संसार तरंगों का। उसमें से ही पिंड तैयार होता है, वैसी देह उन सूक्ष्म तरंगों में से। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगें जिसमें छिपी हैं वो मंत्र है। और ध्यान रखना, मंत्र बीज की तरह से होता है। जैसे बीज में पूरा पेड़ छुपा है, वैसे ही मंत्र में पूरा एक प्रकार का एक फल छुपा है। मंत्र तरीके से जपो, एकाग्र पूर्वक, ध्यान पूर्वक, रुचि पूर्वक, धैर्य पूर्वक, अर्थ पूर्वक, मंत्र अलग प्रकार की तरंगें पैदा करता है। धरती का बीज है जल, जल का बीज है अग्नि, अग्नि का बीज है वायु, वायु का बीज है आकाश, आकाश से वायु पैदा हुई है, वायु से जल पैदा, अग्नि पैदा हुई है, अग्नि से जल पैदा हुआ है, जल से धरती बनी है। तो धरती का जो बीज है, धरती जिससे पैदा हुई वो जल, जल का जो बीज है वो अग्नि, अग्नि का बीज है वायु, और वायु का बीज है आकाश, आकाश का बीज क्या है तो स्पेस है, स्पेस का क्या बीज होगा? ये कहां से निकला? ये सूक्ष्म तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और वो सूक्ष्म तत्व, तरंगों का संसार। इसलिए मंत्र तो बहुत बड़ी चीज है। मंत्राधीनम देव, मंत्रों में ही तो देवता रहते हैं, देवताओं का कोई आकार अलग नहीं है, मंत्र में छिपे हैं देवता। और मंत्र मैं जब शरीर हो जाता है, इतना मंत्र जप लें आपके आपके मंत्रमय शरीर हो जाए तो भीतर में वो देव जगने लगते हैं। और एक बहुत सहज शब्द है, कनेक्टिविटी, आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाती है, प्रॉपर कनेक्शन मिल जाता है देवता के साथ, आप कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तरंगे आपको कनेक्ट करेंगे। आप कहते हैं जी फोन तो घुमाए जा रहे हैं, बार बार लगाए जा रहे हैं, अब बीच में कट जाता है, कभी घंटी बजती है फिर टूट जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर आप अपने आप ही कहते हैं नेटवर्क फेलियर है, पुअर नेटवर्क है, प्रॉपर नेटवर्क नहीं है, यहाँ से तो घुमा रहे हैं वहाँ नहीं लग रहा है, कनेक्टिविटी बड़ी पुअर है। यही चीज़ है ना, आप यहाँ से मिला रहे हैं वहाँ लग नहीं रहा, टूट रहा है बीच बीच में, संवाद भंग हो रहे हैं। और उसके बाद में आप फिर अपना ये बजर बट्टू, ये मोबाइल सॉरी, तो फिर ये आप देखते हैं इसे, तो उसको आप देख, हाँ आप पूरा प्रॉपर कनेक्टिविटी है, लो कर लो बात, विश्वास कीजिए। ये मंत्र का विज्ञान हमको हमारे गुरु ने सिखाया है, हमने संतों के पास बैठकर मंत्र के विज्ञान को सीखा है। ये सूक्ष्म विज्ञान है, इसे प्रॉपर कनेक्टिविटी होगी, प्रॉपर कनेक्टिविटी, वो गायत्री मंत्र हो, अष्टाक्षरी मंत्र हो, द्वादश अक्षर का मंत्र हो, पंचाक्षर मंत्र हो। पंचाक्षर कौन सा है? नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, वो द्वादश अक्षर का मंत्र हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो अष्टाक्षर का मंत्र हो, ओम नमो नारायणाय, वो 24 अक्षर का मंत्र हो, कौन सा? गायत्री, 24 अक्षर का मंत्र, अथवा वो शताक्षरी हो, चौंक मत जाना, 100 अक्षर का भी मंत्र होता है, उसे शताक्षरी कहते हैं।
सौ अक्षर का मंत्र होता है सताक्षरी, ये बड़े महनीय मंत्र हैं। उनकी उनकी आकृति कैसे बनेंगी, वो जब मंत्र जपे जाएंगे तो क्या आकार बनाएंगे, उनसे यंत्र कौन सा बनेगा, वो किस प्रकार का प्रभाव पैदा करेंगे, वो किस प्रकार के देवता से हमको कनेक्ट कर देंगे, किस बीज मंत्र को हम बोल रहे हैं तो कहाँ कनेक्ट होंगे हम बार बार कोई एक बीज मंत्र बोलने से, क्योंकि सार्वजनिक रूप से बीज मंत्र बोले नहीं जाते, इसलिए मैं खाली समझा रहा हूं आपको। बीज मंत्र बोले नहीं जाते ना, वो प्रकट नहीं किए जा सकते। तो बीज मंत्र जो आप बोल रहे हैं, कल्पना करो राम बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, तो जो आपके अक्षर निकल रहे हैं आपके मुंह से, वो जो निकल रहे हैं अंक अक्षर, वो किस प्रकार की तरंगें उसी समय सृजित कर रहे हैं। तो लगातार 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 निरंतर अबाध अविकल अविच्छिन्न अविच्छिन्न अबाध निरंतर सतत गति स्फूर्ति मति जैसे ही आपके मंत्र में बनी तो धीरे 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 कनेक्ट देवता से आपको कनेक्ट कर दे, और कहीं आप जुड़ गए देवता के साथ, ऊर्जा के साथ जुड़ गए, आनंद के साथ जुड़ गए, अपरम सत्ता के साथ जुड़ गए। इसलिए घाटे में मत रहो, मंत्र जपा करो, सुबह जपा करो, शाम जपा करो। अरे मन मंत्र जपा कर, सुबह जपा कर, शाम जपा कर, मूर्ख मन मंत्र जपा कर।